सत्पते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हम वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का एकादश सर्ग पढ़ रहे हैं और इस सर्ग को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें हेमंत ऋतु का वर्णन और लक्ष्मण जी के द्वारा इस हेमंत ऋतु के साथ जुड़ी हुई जो अयोध्या में श्री भरत जी तपस्या कर रहे हैं तो उनकी स्मृतियां और इस ऋतु की ऋतुचर्या ये सब श्री लक्ष्मण जी के द्वारा श्री राम जी को निवेदन किया जा रहा है। इस पाठ को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार को यहाँ पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार पूज्य गुरुदेव ने बताया शनिवार को आप एक वाग्वर्धिनी सभा किया करें और जिसमें कुछ एक दो भाई बहन हर शनिवार को अपने विचार अभिव्यक्त करें, क्योंकि ऋषियों का ये उद्घोष है, उनका उपदेश है हमें स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमद। स्वाध्याय भी करना है और उसका प्रवचन भी करना है। किसी चीज़ को पहले तो जानना है और उसको जीना है और फिर उसको अभिव्यक्त भी करना है, दूसरों तक भी पहुंचाना है, तो ये भी एक ऋषि सेवा के अंतर्गत ही आता है, अपने अंदर के भावों को अभिव्यक्त करना। क्योंकि वाणी ही एकमात्र ऐसी इंद्रिय है या ऐसी शक्ति है या ऐसा साधन है जो इस मनुष्य को इस सृष्टि के अन्य सब प्राणियों से अलग करती है। सब प्राणी खाते पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, घर भी बनाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन उनके पास वो वाणी नहीं है कि वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकें। मनुष्य और अन्य प्राणियों में दो चीज़ों का सबसे बड़ा अंतर है, एक तो उनके पास बुद्धि तत्व नहीं है कि वो अपना भला या बुरा सोच सकें और दूसरा उनके पास वाणी नहीं है। वाणी मतलब ऐसे ध्वनि तो है ही, कोई ना कोई तो ध्वनि करते ही हैं, चिड़िया भी करती है, कौवा भी करता है, गाय भी करती है, पर उसको हम वाणी नहीं कहेंगे। जिसको वागेंद्रिय कहा और जिसको वेद में कहा स्पर्श करने के लिए ओम वाक वाक ओम वांग मास्यस्तु, तो वो वाली वाक उनके पास नहीं है। वाक का मतलब है यहाँ पर अपने भावों की अभिव्यक्ति करके दूसरे के हृदय या मस्तिष्क तक उसको संप्रेषित करने की शक्ति। वो कुछ बोलते तो हैं और कुछ अल्प मात्रा में संप्रेषित भी करते हैं, जो उनके मालिक होते हैं उनके आसपास, तो उनको पता लग जाता है कि अब इसको भूख लगी है या प्यास या सर्दी या गर्मी, तो थोड़ा अभिव्यक्त कर पाते हैं।
लेकिन स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है कि कोई अनजान व्यक्ति भी उनकी वाणी से उनके अंदर के भावनाओं को समझ सके। हाँ, योगी के लिए जरूर योग दर्शन में आया है सर्वभूतरुत ज्ञानम, उसको सब प्राणियों की वाणी समझ में आ जाती है, योगी को उसकी तो शक्ति है इतनी। लेकिन सामान्य रूप से मनुष्य के पास ही वो शक्ति है कि वो अपने अंदर के भावों को, अपने अंदर के ज्ञान को, अपनी उपलब्धियों को या अपने दुख दर्द को अभिव्यक्त कर सकता है। लेकिन उसमें भी फिर कई श्रेणियां हैं। कोई बहुत अच्छे से अपने ज्ञान को अभिव्यक्त कर पाता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जी हम समझते तो हैं विषय को, लिख भी देंगे पर हमें बताना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है। कुछ ऐसे हैं कि जी हम बता तो देंगे, बोल तो देंगे पर हम लिख नहीं सकते। तो ये अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग कुशलताएं हैं। कुछ कहेंगे हमारे दिमाग में ना ये विषय बिल्कुल स्पष्ट तो है पर हमें पढ़ाना नहीं आता है, ये एक अलग स्किल है। तो अध्यापक का तो ये गुण होना चाहिए कि उसके पास जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, वो दूसरे के हृदय में उतार पाई, ये अध्यापक की कुशलता होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश को जब तक अर्जुन ने समझ नहीं लिया तब तक वो उनको बताते ही रहे, और जब अर्जुन ने उसको आत्मसात कर लिया, आत्मसात का मतलब है जब अर्जुन का पूर्ण रूपांतरण हो गया, तो उस शिक्षा का फिर वो पूर्ण अभिव्यक्तिकरण कहा जाएगा। अपने भाव को, अपने विचार को या अपने आचरण को दूसरे तक संप्रेषित करना और दूसरे के दिमाग में डालना। कल ही एक बात आ रही थी वहाँ विश्वविद्यालय में, BNYS में एक बहन है, प्राध्यापिका है, तो दूसरे विद्यार्थी बोल जी हमें इनका समझ में ही नहीं आता है, क्या पढ़ाते हैं कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर उनसे पूछा तो बोल जी मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ अपने विषय को, बहुत अच्छी नॉलेज है मेरी, तो ये समझ ही नहीं पाते हैं तो मैं क्या करूँ। तो ये इसीलिए मंत्र बोला जाता है सहनावतु सहनौ, दोनों का ही साथ साथ परिष्कार होना चाहिए, गुरु शिष्य का। गुरु के अंदर भी भगवान वो शक्ति दे कि वो अपनी जो वो नॉलेज देना चाहता है उसको ठीक से अभिव्यक्त कर सके, और शिष्य के अंदर भी भगवान वो शक्ति दे कि वो उसको ग्रहण कर सके। दोनों की ग्रहणशीलता होनी चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव इसी स्किल को या इस योग्यता को हर एक भाई बहन के अंदर वो अपने उत्कर्ष के रूप में आश्रय पावे, तो इसके लिए ये व्यवस्था रखी है शनिवार को। तो इसमें आज का जो ये पहली सभा है इसमें हम दो भाइयों की अभिव्यक्ति सुनेंगे, दो बहनों को सुनेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारी पूज्य साध्वी देव शौर्या जी को, वीरिया जी या शौर्या जी, हाँ देव शौर्या जी को, तो आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में आमंत्रित करते हैं। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। परम पूज्यानां आचार्यवर्याणां चरणकमलेषु मम कोटिशः प्रणतिः, सर्वेषां कृते मम ओम। आज मैं आध्यात्मिक के विषय में बोलने जा रही हूँ। अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म क्या जो साधु संत या योगी जन होते हैं उन्हीं के लिए अध्यात्म आवश्यक है? नहीं, अध्यात्म सभी मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। गीता में भी श्री भगवान जी ने कहा है स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, अपना स्वभाव अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है। और अध्यात्म क्यों आवश्यक है? क्योंकि अध्यात्म को चिकित्सा जाना गया है। चिकित्सा वह होती है जो हमें स्वस्थ बनाती है। स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थित, स्वयं को जानना, आत्मा को पहचानना और
जीव एवं जीवन को जानना, यही अध्यात्म है। इसीलिए मनुष्य को अध्यात्म को जानना आवश्यक है। मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी प्राणियों को अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मछली जल में ही खुश है, उसे स्थल में रहना या आकाश में उड़ना नहीं है। और जो स्थल में रहने वाले प्राणी हैं, उन्हें ना जल में तैरना है ना आकाश में उड़ना है, वह अपने दायरे में ही खुश है। लेकिन मनुष्य को आकाश, पाताल, चौ और धूम मचाना है। इसी कारण मनुष्य के जीवन में अध्यात्म अति आवश्यक है। देखो, जिनके जीवन में अध्यात्म नाम की चीज़ नहीं है, वह ना अच्छा डॉक्टर बन सकता है, ना अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, कोई भी चीज़ वह अच्छा बन नहीं सकता। और तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की तो बात ही छोड़ो, जिनका चरित्र इतना महान है, जो तप, पुरुषार्थ और प्रतिज्ञा के नाम से जाने जाते हैं, वो राम जो कहते हैं लक्ष्मी चंद्रा पदे यादवा, लक्ष्मी चंद्रा पदे यादवा हिमवान वा हिमम तेजेत, अतियात सागरो वेलाम न प्रतिज्ञा अहम पितुः, न प्रतिज्ञा अहम पितुः। देखो, भले ही चंद्रमा चंद्रिका को छोड़ दे, चंद्रमा चंद्रिका को छोड़ दे, हिमालय हिम को छोड़ दे, और हो सकता है कि सागर अपनी सीमा को छोड़कर अपनी सीमा लांघ जाए, परंतु मैंने जो अपने पिताजी को वचन दिया है, वो मैं कभी प्रतिज्ञा की है मैंने अपने पिताजी से, वह कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसे इनका महान चरित्र था। यह चरित्र तब आता है जब हमारा जीवन हमारे जीवन में आध्यात्मिकता होती है। वैसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव के जीवन में प्रभु रामचंद्र जी का चरित्र सन्निहित होता है, हमें भी उनके जैसा बनना है, हमें हमारे पूज्य गुरुदेव जी जैसा बनना है। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते, और रामायण में भी कहा गया है त्रीणी द्वंद्वानी भूतेषु, त्रीणी द्वंद्वानी भूतेषु प्रवृत्त्यान्य विशेषतः तेषु चापरिहार्येषु नैवं भवितुम अर्हसि। जीवन में सुख दुख, जन्म मरण और भूख प्यास, यह तीन प्रकार के द्वंद्व तो आते ही रहते हैं, और इससे हम तभी पार हो सकते हैं जब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता होगी। और गीता में भी कहा गया है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत् त्रयम् तेजेत। काम, क्रोध, लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, ये नरक के द्वार कहा गया, अर्थात ये अधोगति के ओर ले जाने वाले हैं, और इनका इन तीनों का त्याग करना आवश्यक है। और इन तीनों का त्याग कब होगा? जब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता होगी। और आध्यात्मिकता जब आती है, जब हम प्रतिदिन ध्यान करेंगे, 5 मिनट से लेकर 1 घंटा पर्यंत हमें ध्यान करना चाहिए, तब हम मोक्ष की प्राप्ति तक जा सकते हैं। सुख दुख तो जीवन में आना ही है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभे लाभ लाभा लाभो जया जयो, वैसे सुख दुख तो आना ही है। जिंदगी में गिरावटें भी आती है, जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए, जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो बड़ा विजन रखते हैं तो ये कहते हैं, जो बड़ा विजन रखते हैं तो ये कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अरे तू ही नहीं गिरा, अरे तू ही नहीं गिरा, वो भी गिरा है, ये भी गिरा है, अरे सब गिरे हैं, अरे मान गिरता है, मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों के नादानी से खानदान गिरता है, बच्चों के नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय ही है, अभिमान तो गिरता ही है, तो फिर गिरने में काहे का भय। सुबह ओस गिरती है, दोपहर को धूप गिरती है, शाम को छाव गिरती है, गिरना जीवन का कर्म है, तो इसमें काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट आनी जारी है, जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट आनी जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और हमेशा हमारा उत्साह, जुनून, हौसला इतना ऊंचा होना चाहिए, वो शिखर को छूना चाहिए, तीव्र संवेगानाम आसन्नः ओम। इसी प्रकार मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत अच्छे अपने भावों की अभिव्यक्ति की पूज्य साध्वी देवशौरिया जी ने, बहुत आशीर्वाद।
अध्यात्म के बिना कोई ऊंचा नहीं उठ सकता, ये बहुत बड़ा तत्व है। और इसमें इन्होंने रामायण के श्लोकों को कोट किया है और ये भी बताया कि मनुष्य को ही अध्यात्म की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, बाकी जो प्राणी हैं वो तो जिस योनि में वो भोग योनि है वो वहाँ पर अब वो संतुष्ट हैं या नहीं हैं वो तो कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। पर हाँ इतना ज़रूर है कि वो चाहें तो भी उससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं, ना चाहते हों तब तो बात ही अलग है, तो वो खुश हैं या दुखी हैं ये तो कोई नहीं कह सकता है, बट उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से मनुष्य जरूर ऊपर उठ सकता है, और ऊपर उठने के लिए बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। वो ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा अपने उसको अभिव्यक्ति को कि गिरना अनिवार्य है, अनिवार्य तो नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी भी ठोकर नहीं खाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा ढलान भी आते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं तो कभी कभी चढ़ाई भी आती है। तो जो कल बात कर रहे थे सुख दुख आदि आने जाने वाले हैं, आगमापायिनो अनित्या तांतितिक्षस्व भारत, बहुत अच्छे अपने भावों की अभिव्यक्ति की अध्यात्म के बारे में। खूब खूब आशीर्वाद है देवशौर्या जी को। और अगले आदरणीय हमारे पूज्य स्वामी भवदेव जी, तो आप अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे, तो एक बार जोरदार समग्रे विश्वे येषां पुरुषार्थेन योग विद्या प्रचारिता प्रसारिता च समर्थ भारतम शक्त भारतम समृद्ध भारतम आत्मनिर्भर भारतम निर्मातुं ये अहर्निशं संलग्नाः सन्ति अखंड प्रचंड पुरुषार्थः विकल्परहित संकल्प इत्येतस्य शिक्षा यैः प्रदीयते सदा सर्वदा एतादृशानां परम पूज्यानां गुरुदेवानां अस्मदीयानां चरणकमले प्रणमामि मुहुर्मुहुः। समग्रे विश्वे लुप्तमानं आयुर्वेदं पुनः प्रतिस्थाप्य आयुर्वेदस्य महिमानं अभिवर्धितवन्तः एतादृशानां आयुर्वेदशिरोमणीनां परमपूज्यानां आचार्यवर्याणां पादपद्मे मुहुर्मुहुः प्रणमामि। अध्यात्मशास्त्रं यथा रामायणादिकं अध्यापयित्वा अस्माकं जीवनं श्रेष्ठमार्गं प्रति गमयितुं प्रेरयन्ति सर्वदा, तथा च मातृवत् प्रेम्णा वत्सलभावेन अस्मन् परिपालयन्ति। एतादृशी परमपूज्याः मातृवर्याः प्रति प्रणतो अस्मि अहं, तथा च अत्र उपस्थितानां सर्वेषां नमस्कारम्। अधुना अहं संस्कृतभाषाविषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। संस्कृतं किम् अस्ति? सम उपसर्गपूर्वकात् कृ धातुः तप्रत्यये सुट् आगमे च कृते संस्कृतम् इति रूपं सिध्यति। अस्य अर्थो भवति परिमार्जितं परिशुद्धं व्याकरणदोषरहितादिमुक्तं, तत् संस्कृतं कथ्यते। प्राचीनैर् ऋषिभिर्मुनिभिश्च भाषागतदोषपरिष्कारेण अपशब्दादिदोषवारणेन या परिष्कृता भाषा व्यवहृता सा संस्कृतभाषा नाम्ना सम्बोध्यते प्रशंस्यते आद्रियते च। संस्कृतभाषा देवभाषा गीर्वाणवाणी गीर्वाणगिर् इत्यादिभिर्नामधेय व्यवहृते। सा भाषा भारतीयानां प्राणरूपिणी सतपथ प्रदर्शिनी कर्तव्यकर्तव्यबोधिनी लोकदयहितसंपादिनी च। भारतवर्षस्य समस्तमपि प्राचीनं वाङ्मयं संस्कृतभाषाम् आश्रित्य एव अवतिष्ठते, यथा रामायणं महाभारतं दर्शनानि पुराणानि महाकाव्यानि गीतकाव्यानि गद्यकाव्यानि स्मृतिग्रन्थाः नीतिग्रन्थादयश्च संस्कृतभाषायाम् एव उपलभ्यन्ते।
न केवलम् एतदेव अपि तु व्याकरणशास्त्रं ज्योतिषशास्त्रं वास्तुशास्त्रं नाट्यशास्त्रं पाकशास्त्रं आयुर्वेदशास्त्रं सर्वं संस्कृतभाषायामेव निहितमस्ति। ज्ञानविज्ञानस्य न तादृशं यत्किमपि न लभ्यते संस्कृतभाषायां। कवीनां प्राचीनां महर्षीणां जीवने संस्कृतभाषायाः प्रभावः समधिका अस्ति। प्राचीनसाहित्य संस्कृतसाहित्य अनुशीलात् गम्यते यत् संस्कृतभाषा ईसवीयसंवत्सरपूर्वं जनसाधारणे व्यवहृता आसीत्। न केवलं विद्याचन भाषारूपेण व्यवहृता आसीत् अपि तु लौकिकानां भाषारूपेण अपि व्यवहृता आसीत्। यथा महर्षि पाणिनि स्वकीये ग्रन्थे अष्टादयी इति ग्रन्थे उल्लिखितं बहूनि सूत्राणि दुराद्धूते च प्रत्यभिवादिशूद्रे है ये प्रयोगे है हयो इत्यादीनि सूत्राणि संस्कृतभाषायाः प्रयोगं प्रमाणयन्ति। तथा च महाभाष्येऽपि अस्मिन् विषये भगवता महर्षिणा पतञ्जलिमुनिना उल्लिखितं सर्वेऽपि खलु इति शब्दा देशान्तरे प्रयुज्यन्ते न चेत् उपलभ्यन्ते। उपलब्धौ यत्नः क्रियतां महानि शब्दस्य प्रयोगविषयः सप्तदीपा वसुमती त्रयो लोकश्चत्वार वेदाः सहस्य साङ्गा सहस्य विविधा विभिन्नाः एकशतम् अधयु शाखाः इत्यादिकं वाक्यानि तेन उल्लिखितं तत्र। परन्तु अस्माकं जीवने संस्कृतभाषायाः कीदृशः प्रभावः वर्तते तत्तु अहं किञ्चित् पूर्वे यथा भगिनी उक्तवती आध्यात्मविषयम् अवगन्तुं संस्कृतभाषायाः प्रभावो बहु अस्ति। रामायणशास्त्रं संस्कृतभाषायां लिखितमस्ति। ये संस्कृतं जानन्ति ते तु सम्यक्तया अवगन्तुं शक्नन्ति आध्यात्मं किम् अस्ति। तथैव दर्शनशास्त्राणि तानि अपि संस्कृतभाषायां लिखितानि सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतं पठितव्यं। केवलं पठनपाठनस्य भाषा संस्कृतभाषा न भवेत् अपि तु व्यवहारिकस्य भाषा अपि भवेत्। पाकशास्त्रस्य ज्ञानं संस्कृतभाषायामेव अस्ति। बहूनि पुस्तकानि अपि सन्ति तस्मिन् विषये। अतः अस्माकं जीवने संस्कृतभाषा व्यवहारिकभाषारूपेण स्यात् एतत् अहं सर्वेभ्यः निवेदयामि। अद्यत्वे समाजे किं प्रचलति केवलं पठनपाठनं मात्रं भवति संस्कृतभाषा नैव स्यात् तथैव जीवने संस्कृतभाषामपि भवेत्। अस्तु ओम्। बहु शोभनं ये छात्रा व्याकरणे संस्कृतं पठन्ति अध्ययनं कुर्वन्ति ते सर्वे संस्कृतेन एव स्वभावानाम् अभिव्यक्तिं करिष्यन्ति चेत् एतदपि अभ्यासो भविष्यति। बहु शोभनं बहु आशीर्वादः। और इसके आगे हमारी पूजा बहन है ना आप तो कुछ बहनें हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी कुछ हैं हमारी पूजा साध्वी बहनें। तो हमारी आदरणीय बहन आशा जी जो नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी हैं तो एक बार सबकी करतल ध्वनि के बीच में पूज्य श्री महाराज जी एवं आचार्य श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य दीदी जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज का मेरा विषय है पुरुषार्थ का महत्व।
इसमें कहा गया है, उद्यमे ने ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिद्ध्यस्य प्रविशन्ति न मनोरथे प्रविशन्ति न मुखे मृगाः मुखे मिता। अर्थात पुरुषार्थ के द्वारा ही किसी भी प्रकार के कार्य किसी भी प्रकार के कार्य की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पुरुषार्थ के बिना ही किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं मिल सकती है। जैसे कि सिंह गुफा में बैठे सिंह को मृग नहीं मिल सकता है पुरुषार्थ के बिना, उसी प्रकार मनुष्य को भी पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। जैसे सोनू और महेश दो भाई थे और सोनू बहुत पुरुषार्थी थे और महेश बहुत आलसी थे। वो दोनों मिलके खेत में फसल लगाए थे एक दिन, और कुछ दिन के बाद फसल काटने का जब समय आया तो सोनू महेश से कहा, चलो भाई दोनों मिलके फसल काटते हैं। तो सोनू ने कहा, चलो आप चलिए भाई, हम आएंगे बाद में। तो फिर जाके महेश सो गया और सोनू गया खेत में फसल काटने के लिए। तो सोनू अपना हिस्से का फसल काट के घर आ गया और महेश सोए रह गया, वो नहीं गया उस दिन फसल काटने के लिए। तो फिर बारिश आया उसी बीच, जब सोनू फसल काट के घर आया उसके पश्चात बारिश आया और बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, बहुत ज़्यादा, और महेश का फसल सारा बह गया पानी में। तो महेश देखा कि मेरा फसल बह गया तो वो बहुत रोने लगा सर पे हाथ रख के। तो फिर वो अपने भाई के पास गया और बताया अपना समस्या, जो मेरा फसल तो बह गया। तो वो बताया फिर जो इसीलिए पुरुषार्थ करना चाहिए आपको, हम बोले थे चलो फसल काटने के लिए तो आप तो गए नहीं मेरे साथ, तो हम अपना हिस्सा तो ला लिए, चलो कोई नहीं इसी से बांट के दे देंगे आपको भी। तो इसीलिए वो अपना पुरुषार्थ नहीं किया तो उनका गलती तो उनको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं इंसान को अपने कार्य के प्रति कभी आलस प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपना पुरुषार्थ स्वयं करना चाहिए किसी भी कार्य के प्रति। चलो कहानी के माध्यम से आशा जी ने अपने भावों की अभिव्यक्ति की, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव का तो ये एक टैग वाक्य कह सकते हैं, किसी किसी महापुरुष के कुछ टैग वाक्य होते हैं ना, तो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो यहाँ तो छोटे बच्चों से लेकर के प्रत्युष और क्या है अरुण, प्रत्युष उदय, तो हमारे यहाँ तो प्रत्युष अरुण और उदय के बच्चों से लेकर के और एम ए PhD डिलीट तक के सब बच्चे हैं। तो इस बात को सब जानते हैं, सब की जुबान पे ये शब्द होता है पतंजलि में, सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है वो पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ।